गगहा पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कौड़ी राम रोड से गोला जाने वाली रोड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विकास उर्फ अरविंद गौड़ पुत्र प्रेम सागर गौड़ निवासी भवन पोखर थाना गगहा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का एक मोबाइल, 1200 रुपए नगद, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गगहा थाना प्रभारी उप निरीक्षक मोहम्मद गुफरान, कांस्टेबल अंकित कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना गगहा क्षेत्र में 9 फरवरी 2022 को और 19 फरवरी 2022 को सफ़ेद बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा दो महिलाओं से उनके पर्स छीन लिए गए थे, जिसके संबंध में थाना गगहा पर लूट का अभियोग पंजीकृत था। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन अभियुक्तों की पहचान हुई, उनमें से एक अभियुक्त विकास पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, जिसके कब्जे से घटना में लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है, नकद 1200 रुपये बरामद हुए हैं। इसका दूसरा साथी विकास पांडे, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और घटना में प्रयुक्त होने वाली सफ़ेद मोटरसाइकिल ये विकास की ही बताई जा रही है। अभी तक जो विवेचना से तथ्य प्रकाश में आए हैं वो तो इन्हीं दो घटनाओं के हैं, लेकिन विवेचक को बताया गया है कि आसपास के थानों में और देख लें कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी और थाने में इनके नाम से अभियोग हों, लेकिन हमारे थाने में इनके रजिस्टर नंबर 8 में इनका तकमीला ना हुआ हो।